भारतीय जनता पार्टी ने राय के विधायक मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा में नायब सैनी के सीएम बनने के बाद बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अलावा करनाल से पूर्व सांसद संजय भाटिया का नाम प्रमुख तौर पर लिया जा रहा था, मगर इन सभी सीनियर को दरकिनार कर भाजपा ने मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मंगलवार को पार्टी मुख्यालय की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं। बड़ोली की नियुक्ति के बाद अब साफ हो गया है कि भाजपा का विधानसभा चुनाव के दौरान पूरा फोकस जीटी रोड की बेल्ट पर रहेगा। मुख्यमंत्री तथा प्रदेश अध्यक्ष दोनों जीटी रोड की बेल्ट से हैं। मोहनलाल बड़ोली का जन्म 1963 में हरियाणा के सोनीपत जिले की राई तहसील के बड़ोली गांव में हुआ था। मोहनलाल ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई GSSS खेवड़ा सोनीपत से पूरी की। उनके पिता कलीराम कौशिक अपने गांव में एक प्रतिष्ठित कवि थे। आपको बता दें, बड़ोली ने छोटे वर्कर के रूप में राजनीतिक पारी शुरू की थी। पहले उन्होंने सोनीपत के बहालगढ़ चौक के पास कपड़ा मार्केट में एक दुकान चलाई। इसके बाद 1999 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में शामिल हुए। इसके बाद भाजपा में आ गए। 2019 में कांग्रेस के गढ़ राई में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। 2020 में बड़ोली को भाजपा सोनीपत का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके अलावा 2021 में उन्हें प्रदेश महामंत्री के पद के साथ हरियाणा भाजपा की कोर टीम में शामिल किया गया।